दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है उन्हें ना पता हो कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं और इनका क्या काम होता है, इसलिए इनके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक फैमिली बिजनेस है, उसमें टोटल 3 लोग हैं, ए, एक्स एंड वाई। ए फादर है एंड एक्स एंड वाई उसके 2 बेटे हैं, लेकिन एक्स एंड वाई के बीच बिजनेस की एक्टिविटीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक्स का मानना है कि क्रेडिट यानी उधार पे सामान नहीं देना चाहिए और वाई का मानना है कि क्रेडिट पे सामान दे सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि अगर उधार देते हैं तो बैड डेब्ट्स यानी पैसे डूबने के चांसेस हो जाते हैं, और अगर उधार नहीं देते तो बिजनेस के कस्टमर कम होते हैं। तो इनके फादर ए वो ये सोचने लगते हैं वाई जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे दे के पैसे खराब कर सकता है, जिससे एक टाइम बाद बिजनेस बंद करने की भी नौबत आ सकती है, और एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, किसी को भी क्रेडिट पे सामान नहीं देगा। तब इनके फादर ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए ऐसा करता हूँ कि इन दोनों के लिए कुछ पॉलिसी बनाता हूँ और समझाता हूँ कि किस कस्टमर को उधार दे सकते हैं और किस को नहीं। तो जैसे एक छोटे बिजनेस में फाइनेंशियल रेगुलेशंस और पॉलिसीज होती हैं, तो अब आप इस एग्जाम्पल को कंट्री के लेवल पे सोचो कि पूरे इंडिया में भी तो कोई ऐसी बॉडी होगी ना जो सारे बिजनेस के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करेगी। और एक बॉडी नहीं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई सारी बॉडीज को सेटअप किया गया है। ये सारे रेगुलेटर्स ये इंश्योर करते हैं इन्वेस्टर्स एंड अदर पार्टीज का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो और इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में इम्पार्शियलिटी बनी रहे। तो इंडिया की जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो हैं आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए एंड एमसीए। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में, जो कि है अवेकिजन ऐप। इस ऐप की खास बात यह है कि इस ऐप की हेल्प से अगर आप चाहें तो अपने सिटी या लोकेलिटी के इश्यूज जैसे खराब रोड्स, साफ सफाई नहीं होना, वाटर लॉगिंग, क्राइम रेट्स का बढ़ना एट्सेट्रा, इनके लिए बहुत ही इजीली अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस ऐप में जाके बस आपको एक इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और इसमें अपने सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स को मेंशन करना है, जिसमें आप दूसरे लोगों को टैग भी कर सकते हैं, और ये ऐप ऑटोमेटिकली आपके आसपास रहने वाले लोगों को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी भेजेगा, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को लेके एक अच्छा खासा सपोर्ट जनरेट हो और प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल सके। तो अगर आप अपनी सिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो अवेकिजन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का मेन काम है इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, जिसके लिए आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है। आरबीआई दूसरे बैंक्स को भी रेगुलेट करता है, ताकि उस बैंक के इन्वेस्टर्स के साथ और दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कुछ अनफेयर ना हो। इसके अलावा आरबीआई के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो कि हैं प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग करेंसी। आरबीआई करेंसी को प्रिंट करता है और पूरी कंट्री में सर्कुलेट करने का काम भी करता है। मेंटेनिंग इन्फ्लेशन एंड डिसाइडिंग इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है, जैसे कि लोन पे कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है, सेविंग पर कितना इंटरेस्ट रहेगा एट्सेट्रा। आरबीआई मनी के फ्लो को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है। मैनेजिंग द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आरबीआई के ऊपर होगी, जिसमें हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं कि कौन कौन सी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रेगुलेटर की, जो कि है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाता है। सेबी को बनाने के पीछे का मोटिव था इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। गाइस, स्टॉक मार्केट में 1992 के अराउंड तक इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी और भी बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस होने लगी थी, जिससे इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट से कॉन्फिडेंस जा रहा था। इसी तरह की बैड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सेबी को बनाया गया था। सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको सेबी ही रेगुलेट करता है। सेबी स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग को चेक कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। अगर सेबी को लगता है कि किसी कंपनी में बैड प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो ये उन पर पेनल्टी लगाता है और उनको स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। आईआरडीए की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज बढ़ती जा रही थी। हर कंपनी के अलग अलग रूल्स होते थे, जिससे फ्रॉड भी इंक्रीज हो रहे थे, जैसे कि कस्टमर्स को क्लेम ना देने के लिए बहाने बनाना या पेमेंट के प्रोसेस को लटका देना, पॉलिसीज देते टाइम सारी कंडीशंस नहीं बताना। इसी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आईआरडीए रूल्स बनाता है,
जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। IRDA एनुअल ऑडिट करके ये इंश्योर भी करती है कि इंश्योरेंस कंपनीज इसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं या नहीं। नेक्स्ट है PFRDA, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड पेंशन फंड को रेगुलेट करता है, जैसे कि NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना। दोस्तों, अगर आपको NPS को डिटेल में समझना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। PFRDA का मेन पर्पस सीनियर सिटीजन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। अगर पेंशन फंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी PFRDA ही सेटल करवाता है। PFRDA पेंशन फंड से रिलेटेड एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है MCA, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। MCA कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंडर में आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी के अंडर आता है। इसी तरह से वो सब लॉज जो कंपनीज को रेगुलेट करते हैं वो सभी इसी के अंडर में आते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट। इसके साथ साथ ये प्रोफेशनल बॉडीज पर भी नजर रखता है, जैसे कि ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एटसेट्रा। दोस्तों, ये थी रेगुलेटरी बॉडीज, लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज भी हैं जो रेगुलेटरी नहीं हैं लेकिन उनके सब सेक्टर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है। ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो सेल्फ रेगुलेटरी है, जिसे 1995 में सेटअप किया गया था। इसका मेन एम है देश में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, जिसके लिए ये म्यूचुअल फंड को पब्लिक के लिए मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करते हैं, जिसमें ये कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल फर्म्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व हैं वो AMFI के मेंबर हैं, और सारे मेंबर्स को AMFI के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना होता है। AMFI का सबसे जरूरी काम होता है म्यूचुअल फंड की NAV इन नेट एसेट वैल्यू को अपडेट करना, जो कि डेली अपडेट होती है। तो दोस्तों, बेसिकली ये है इंडिया की फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।